वो बोलता है कि मिल जाएगा तो मैं पटक पटक के मारूंगा, बताइए। मारने के लिए ताकत चाहिए बेटा, बच्चा है तू, अभी गोद में खेलता है तू, मारने के लिए ताकत चाहिए। हाथ पकड़ लूंगा ना तो छुड़ाने के लिए पूरी खानदान लग जाएगी, छूट नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि प्यार बहुत अच्छी चीज है, प्यार करिए। और ये हमारी जनता जो है सबका इंसाफ करती है। एक मार्केबुल बात है, एक परिवार को मैं मर्द नजर नहीं आता हूं। और वो कौन सा परिवार है आपको भी पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि वो कौन सा परिवार है जिसको मैं मर्द नजर नहीं आता हूं। ये बताइए कहां से मर्द नहीं हो मास्टर जी, कहां से मैं मर्द नजर नहीं आ रहा हूं बताइए मुझे। उस परिवार को मर्दानगी साबित करने के लिए अब मुझे क्या करना चाहिए, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। दूसरा कि आप वीडियो बना के भेजिएगा, इंडस्ट्री के ही वो हैं, आपको भी पता होगा। मुझे किसी की नाम लेने की क्या जरूरत है, मैं क्यों लूँ किसी का नाम? नाम लेकर हाईलाइट करने का मतलब नहीं है ना। लेकिन आप लोगों को पता है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, कुछ लोगों को पता है क्योंकि उन लोगों को कितने लोग जानते ही हैं, बस थोड़ा बहुत 2-4-5 सौ लोग जानते हैं। तो जो नहीं जानते हैं उनको, जो जानते हैं वो वीडियो बनाकर शेयर कर दीजिएगा आप लोग फेसबुक पे, कि उनको मर्दानगी साबित करने के लिए मुझे क्या करना होगा। मैं अब देखिए, ये है, ये चेस्ट है, ये बाइसेप है, बकायदे ये देखिए, ये बैक है। वो मेरे प्रोड्यूसर को फोन करते हैं मेहदी थ्री के कि वो छक्का है, डायरेक्टर को फोन करते हैं कि वो छक्का है। तो मुझे क्या करना चाहिए ताकि उनके परिवार वालों को समझ में आ जाए कि मैं मर्द हूं, मुझे प्लीज आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। और मेरे ऊपर जितना भी विवाद होता है आप जान लीजिए कि उसी परिवार का देन होता है। और उनका उनका एक है, उनके ही परिवार का बड़ा वाला तो है ही उस टाइप के, वो तो बात भी करते हैं तो बहुत अच्छा करता है तुरे, बहुत अच्छा से बात करते हैं वो इस टाइप के। ये बताइए कि इस धरती पे हम एक पृथ्वी एक स्टेज है और हर आदमी नाचता है अपने पेट के लिए। बच्चन साहब ने अपने सिनेमा में साड़ी पहना तो क्या वो मर्द नहीं है? गोविंदा जी ने पहना, क्या वो मर्द नहीं है? कमल हसन ने पहना, क्या वो मर्द नहीं है? और यहाँ तक कि वो भी पहने हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं पहने। मैं भी अपने काम के लिए, अगर मैं इंटरटेन के लिए, इस जनता जो मेरी भगवान है, इस भगवान के लिए, अगर मैं मनोरंजन के लिए, इनके दिल में एक जगह बनाने के लिए मैंने अगर साड़ी पहन ही लिया तो मैं कौन सा गुनाह कर दिया यार? आप मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को फोन करके कहते हो कि वो छक्का है, के डायरेक्टर को फोन करके गाली गलौज कर रहे हो, बड़े वाले, बड़े वाले आपको, आनंद जी हमारे भाई हैं उनको भी आपने फोन करके गाली गलौज किया, तो ये गलत है ना। मेरी माँ आपकी भी माँ है तो आपके संस्कार झलकते हैं, अपने संस्कार में रहा करिए। मुझे गाली दे देने से, मैं जानता हूं कि मेरी जनता मेरे लिए भगवान है, अगर ये कभी गाली देती है तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं गलत करता हूं तो ये मेरे लिए गाली देती है। और हम सब एक हैं, इंडस्ट्री अपना परिवार की तरह है तो परिवार में परिवार की तरह रहा करिए। गाली गलौज, और जहां तक आपका जो आपके नीचे वाला है वो बोल रहा है जी मिल जाएगा तो मैं मारूंगा, मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर मैं पकड़ लूंगा ना तो पूरी खानदान लग जाएगी छुड़ाने में हाथ, और तुम बोल रहे हो मारने के लिए, लेकिन मैं, ये अहंकार नहीं है, ये पावर दिया हुआ जो है ना, ये पावर दिया हुआ हमारी जनता, हमारे स्वरूप भगवान का है, ये भगवान के पावर से बोल रहा हूँ, ये हमारे लिए ईश्वर है, हमारी जान है। आप ये छक्का कहने वाली बात हर जगह बंद करिए और माँ बहन की गाली बंद करिए आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो आपको पता है कि मैं क्या हूँ। और मैं ये जवाब नहीं दूंगा, लोग वीडियो बना के फेसबुक पे कल से शुरू कर देंगे, आपको जवाब दे देंगे। और वो कौन सा परिवार है पब्लिक को पता है कि वो कौन सा परिवार है जो मेरे पीछे पड़ा रहता है। और दुनिया में जितनी भी गालियां मुझे मिलती है इस परिवार की वजह से मिलती है, और यही परिवार हर आदमी को बोलता है जी खेसारी को गाली दो, खेसारी को ये बोल दो, खेसारी को वो बोल दो। खेसारी एक गरीब बच्चा है, मैं बड़ा गरीबी देखा हूँ, मैं किसी बड़े औलाद बड़े बाप का बेटा नहीं हूँ, मेरे पापा चना बेचने वाले थे। आपको सुई की तरह मैं क्यों चुभता हूँ? पूरी इंडस्ट्री पे मैं बेटे की तरह गोद में खेलता हूँ, एक इंडस्ट्री में आदमी नहीं है जो खेसारी की बुराई कर दे, क्योंकि मैंने आज तक किसी को बिगाड़ा नहीं। मैं मेहनत करता हूँ, 24 घंटा काम करता हूँ, 24 घंटे में 22 घंटे, 23 घंटे, 72-72 घंटे में काम करता हूँ। अगर पूछना है तो पूरी इंडस्ट्री में कोई पूछ ले, और कोई भी प्रोड्यूसर कोई भी डायरेक्टर अगर मुझे बोल देगा कि खेसारी कभी लेट आता है, खेसारी की वजह से सिनेमा का बजट बढ़ जाता है, तो मैं उस दिन से काम करना बंद कर दूंगा। हाँ लोग ये बात बोल देंगे जिनसे मेरी दुश्मनी है, जिनसे मेरे जो मुझे लाइक नहीं करते हैं, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुझे बोल देंगे, जिनके साथ मैंने काम नहीं किया, मैं मना करता हूं कि ये सिनेमा नहीं करना, वो मेरे बारे में बोल देंगे क्योंकि मैं उनके साथ काम नहीं करता।
जिनके साथ मैंने रेगुलर काम किया है उनसे पूछ लीजिए, और कोई ऐसा प्रोड्यूसर नहीं है जिसके साथ मैंने 5 सिनेमा नहीं बनाया है। अगर मैं गलत होता तो 5 सिनेमा मेरे साथ नहीं बनाता। तो प्लीज, और मारने वाली जहाँ तक बात है, लवी आला भी मैं चाहता हूँ कि एक बार आप मेरे सामने आकर मुझे मारने का काम करें, मैं आपका सम्मान करूँगा। और कहाँ से मैं नजर आता हूँ, मैं पब्लिक से जानना चाहता हूँ कि उनको वीडियो बना के आप लोग भेजिए और बताइए कि खेसारी मर्द कहाँ से नजर नहीं आ रहा। आप बताइए कहाँ से मर्द नहीं हूँ मैं, अब मुझे क्या क्या दिखाना पड़ेगा उनको जिससे उनको समझ में आ जाए कि मैं मर्द हूँ। लव यू। और ये लोग बोलते हैं वो परिवार, एक परिवार ऐसा है जो बोलता है, क्यों बोलेगा, बहुत मानते हैं आप, मुझे मेरे कहने का मतलब क्या है, बहुत प्रेम करते हैं, मैं भी प्रेम करता हूँ, लेकिन मेरी माँ बहन की गाली कोई क्यों देगा, कोई नहीं देगा। मैं अनंजय के, अनंजय सिंह, अनंजय रघुराज के मोबाइल पे, निशांत उज्जवल के मोबाइल पे गाली दिया गया है कि नहीं? नहीं नहीं, ऐसा प्यार है वो, कोई गाली आपने, चले लव यू ऑल, आपने जो बोला था, आपने बोला था उनको बुरा लगा, आपने फनी अंदाज में बोला था उनको बुरा लगा, वो भी बहुत मानते हैं आपको, बहुत प्रेम करते हैं, मेरी बहुत बात है, बहुत प्रेम करते हैं, और उन्होंने आपके जीवन में नागिन जैसी बड़ी हिट फिल्म दी है, और आपके जीवन के, अरे उनके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, कहाँ बस है आप, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ उनके बारे में, वो तो महान है, उनको कैसे बोल सकता हूँ, आप किसी के बारे में चर्चा मत करिए, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू लव यू।